This is NDTV. And you're watching Classics. रामलाल जी, आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए। राजनीति की शुरुआत वैसे स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल वगैरह के लिए स्ट्रगल वगैरह करते रहना पड़ा, लेकिन विधिवत 69 में हम राजनीति में आए और सीधे एमएलए बन गए, तो 69 से शुरू होता है। थोड़ा हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह में विश्वास नहीं था, और वो जो जिसको कहिए नक्सलाइट दिमाग, लेकिन हिंसा में भी हमको विश्वास नहीं था। हिंसा हमारा नेचर कभी रहा नहीं, लेकिन हमको ये भी नहीं लगता था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कुछ होने वाला है। तो एक बार हम घर गए थे, तो वहाँ घर पर जो है एक बहुत बड़ा कोई ज़मींदार था, तो एक गरीब आदमी को पीट रहा था। तो फिर हम लोग चाचा चाचा कहते थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या क्या कारण है। तो फिर मालूम हुआ कि सो ये जो आदमी है जिसको बांधे हुए है, ये उनसे पैसा लिया था। लेकिन जब वो आदमी ने बतलाया कि नहीं, हमने पैसा नहीं लिया था, हम एक बार गए हुए थे इनका सामान लेकर के खगड़िया, और हमको बुखार लग गया, और इन्होंने जो है दवाई का व्यवस्था सरकारी अस्पताल से कुछ टैबलेट वगैरह ला करके दिया, और फिर हम जब ठीक हुए तो फिर हम जब भी अपना मजदूरी मांगते थे तो ये कहते थे कि तुम्हारा जो दवाई में पैसा दिया है वही जो है से कहते हैं कि उसी में कट रहा है। तो हमको भी बहुत गुस्सा बना, तो फिर हमने फिर खोल उल दिया उसका लड़का, उसमें में वकालत में लॉ पढ़ रहे थे, तो गांव के भी सब लोग लीडर मानते ही थे। तो फिर वहीं से थोड़ा वो भावनात्मक तरीके से शुरुआत हुआ। अच्छा, ये बताइए कि 77 में आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे, आखिर सफलता का रहस्य क्या था? उसमें ऐसा हो गया कि 77 वाला में चुनाव में जो मेन मुद्दा बना कि हम स्टेट जब असेंबली में थे, तो फिर हम 74 का जब जेपी का आंदोलन हुआ, तो जेपी हमको बहुत मानते थे, चूँकि एमएलए में हम ही एक थे जितने यूथ में, और फिर शेड्यूल कास्ट में भी थे, दलित में भी थे, तो जेपी हमको बहुत मानते थे। तो फिर वो हम चले गए मिसा उसा में, जेल वगैरह चले गए। जेल से जब निकले तो जब चुनाव का घोषणा हो गया, जेल से छूटे, तो जयप्रकाश जी की राय थी कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़े, चूँकि हाजीपुर के लोग हाजीपुर जाते रहते थे आंदोलन के दरमियान भी, तो वहाँ के लोगों ने डिमांड किया था कि हाजीपुर से रामविलास पासवान को लड़ाया जाए। पहले सासाराम से हमारी मांग हो रही थी जगजीवन राव के खिलाफ में, लेकिन जगजीवन राव जब कांग्रेस छोड़ के चले आए तो फिर हुआ कि हाजीपुर से। तो फिर जेपी ने हमसे कहा कि हाजीपुर से तुम चुनाव लड़ो, तो हमने उनसे कहा कि हम तो आलोली से एमएलए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हाजीपुर के लोग करें तो लड़ो, तो हमने कहा ठीक है। फिर जब हम गए हाजीपुर में नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए, तो मालूम हुआ कि वहाँ तो टिकट जनता पार्टी से दे दिया गया राम सुंदर दास जी को, जो अभी चुनाव अभी में, तो राम सुंदर दास जी को। तो फिर हम नॉमिनेशन तो कर दिए, हमको नाव छाप मिल गया था, तो हम आ गए। फिर जेपी साहब ने कहा, हमने कहा कि हमको तो हमारे खिलाफ़ में तो कांग्रेस वो जनता पार्टी से उम्मीदवार दे दिया गया है, तो हमको हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो जेपी भी कर गए, जेपी ने कहा कि सो नहीं, तुमको लड़ना है। फिर अपने इब्राहिम थे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, इब्राहिम को उन्होंने बुलाया, और इब्राहिम को उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया जो है सो हमको दे दिया, और फिर उन्होंने कहा कि तू पर्चा निकालो, और उसमें उन्होंने एक लाइन का लिख दिया कि जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जेपी का उम्मीदवार रामविलास पासवान है। तो फिर वो जो है फिर सब लीडर सबको मालूम हुआ, तो फिर बाद में जो है सुर को बैठाया गया, बाद में चेंज किया गया। तो फिर बाद में सिंबल हमको मिला 3-4 दिन के बाद, मधुल मियाँ जी वगैरह थे दिल्ली में। तो हमको लगता है कि भी कारण रहा हाईएस्ट मार्जिन का। अच्छा, आप लोगों के ऊपर कहा जाता है कि आप लोग दलितों की राजनीति करते हैं, ये बात सही है कि आपका ये आरोप सही है कि जो भी चीज़ मान लेते हैं कि जो दलित का मामला है उसमें उसका एक यूज किया गया, और सबसे तो बिहार उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसी का चारा उसी को खा रहा है। तो लेकिन अब उसमें दो चीज़ें हैं, हम यदि किसी बात को कहते हैं, दलित की बात को यदि हम कहते हैं, तो उसको कास्ट के एंगल से देखा जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब दलित का सवाल आवे तो दूसरे लोगों को ऊंची जाति को बोलना चाहिए, दलित के हित की बात है। बेरोजगारी का सवाल आवे तो हमको बोलना चाहिए, मुसलमान का सवाल आवे तो हिंदू को बोलना चाहिए, हिंदू का सवाल आवे तो
तो मुसलमान को बोलना चाहिए। जब इस तरह का हम अंडरस्टैंडिंग बन जाता है तो उसमें समाज में कहीं द्वेष नहीं फैलता है। होता है क्या कि जब कोई नहीं बोलता है तो हम जब बोलते हैं दलित की बात तो लोग कहता है कि भाई कास्ट की बात बोलते हैं, कोई मुसलमान यदि मुसलमान की बात बोलता है तो फिर लोग कहता है कि ये कम्युनल है या हिंदू। तो इसलिए जो एक ज़रूरत इस बात का है कि एक दूसरे के हित का लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हमने हमेशा से इस बात को कहा है कि भाई देखिए जो दलित की राजनीति है या जो सोशल जस्टिस का मामला है उसमें हर कास्ट के लोगों ने त्याग किया है। भगवान बुद्ध थे, राजा थे, छत्री थे, लेकिन बुद्ध ने समता का मार्ग दिया और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसी तरह दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे लेकिन उनको भी जहर दिया गया। गांधी वैश्य थे, उनको गोली मारा गया। विवेकानंद कायस्थ थे, उसने कहा कि गरीबों को इनका अधिकार दो नहीं तो उठेगा तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा। डॉक्टर लोहिया थे, तो एक से एक जितने भी लीडर्स पैदा लिए हैं उसमें से हर जाति और धर्म में लोग पैदा लिए और वो उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए भी काम किया और सेकुलरिज्म के लिए भी। तो हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ऊंची जाति में जितने लोग हैं ये सारे के सारे ये सब लोग जो क्या कहते हैं कि बहुत दलित विरोधी हैं और दलित में पैदा लेने वाले हैं, इसलिए हम ही सबसे बड़े उसके शुभचिंतक हैं। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव के बाद इस देश का और लोकसभा का भविष्य क्या होगा? कुछ दिन तक राजनीतिक अनस्टेबिलिटी रहेगी, नंबर हो सकता है कि 2-5 इधर उधर हो जाए, लेकिन अब उसमें क्या शेप लेता है भविष्य में कहना मुश्किल है। उसके रास्ते भी बहुत हैं, उसके रास्ते हैं। एक रास्ता तो है जो परसों मैंने टीवी पर बतलाया था, मैंने कहा था कि भाई बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ सरकार माइनॉरिटी में रहती है लेकिन 5 साल तक चलती है। अब उसका एक तरीका है कि जहाँ आप कॉन्फिडेंस वोट लाते हैं किसी के खिलाफ में कि हमको गुजराल जी के खिलाफ में विश्वास अविश्वास है तो फिर किसके प्रति विश्वास है, वहीं आप चुन लीजिए हाउस में। तो सरकार बदल भी जाएगी लेकिन सरकार 5 साल तक चलती रहेगी। अभी क्या होता है कि आप सरकार को तो गिरा देते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और फिर बाहर में आकर के सरकार बनाने को हम सोचते हैं तो वो सरकार अस्थायी रहती है, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो अनस्टेबिलिटी तो इस बार भी रहेगी। फ्रंट में 3 फ्रंट है, 3 फ्रंट में अब मैं जब तक 2 फ्रंट एक साथ नहीं आएंगे तब तक सरकार जो है कोई बनेगी नहीं। तो एक तो मुद्दा ये है। जहाँ तक भविष्य का सवाल है, अब दुर्भाग्य से क्या होता है कि हम लोग अबाउट टर्न करते हैं। हम 50 साल तक तो हमने एक पॉलिसी चलाया, 40-45 साल तक, और हमने कहा कि ये नेशनलाइजेशन से ही देश का कल्याण होने वाला है, मिक्स्ड इकोनॉमी से ही देश का कल्याण होना, एकाएक हमने सारे चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन के तरफ में हमने उदारीकरण की नीति में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब उसके कारण से सरकारी क्षेत्र जो है उसमें नौकरी का दरवाज़ा नौजवानों का बंद हो गया, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कहीं ढांचा ढंग से बन नहीं रहा है। फिर कोई स्टेट जो है बहुत ही तरक्की कर जाएगा, कुछ दिन के बाद कर्नाटक है या महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है या गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब बहुत तेज़ी से विकसित करेगा, और बिहार जैसा स्टेट जो है वो दिनों दिन बहुत ही नीचे चला जाएगा, बिल्कुल ही जहां भविष्य एकदम अंधकार दिखने लगेगा। अच्छा, रामविलास पासवान का क्या राजनीतिक भविष्य है? चैलेंज पर चैलेंज हो रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन रामविलास पासवान को हराना है। लालू यादव अपना दे रहे हैं। पूरे पार्लियामेंट, इतनी बार पार्लियामेंट में एमपी ने कहा कि साहब कोई भी हो हम लोग चाहते हैं परमानेंट रामविलास पासवान रेल मंत्री रहे। अक्रॉस द पार्टी लाइन रामविलास पासवान राजनीति का वो पिलर है जिसको कोई गिरा नहीं सकता। जो राजनीति जो उस पिलर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। वो हम लोग मेहंदी में मेहंदी का पत्ता बहुत हरा होता है लेकिन दाब दीजिए तो उससे लाल रंग निकलना शुरू हो जाता है। तो क्रांतिकारिता इस नहीं हो, ये क्रांतिकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि आप गाली से बात कीजिए या दूसरे को अपने से बुजुर्ग को अपने से बड़े लोगों को इज्जत मत कीजिए नहीं दीजिए। ये क्रांतिकारिता ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जो लोग होते हैं वो जब जेल जाने लगते हैं तो रोने लगते हैं। हाँ, क्रांतिकारिता का मतलब होता है कि वैचारिक क्रांति से लैस होना चाहिए। और हम जो है ना, रामविलास पासवान जो है, एक बात समझ लीजिए, हम हैं बाज। बाज कभी जो है
वो मरा हुआ जानवर का को शिकार नहीं करता है, बाज जो है हमेशा अपना शिकार अपने खोजता है। ये लोग हैं लगड़ी बिलैया घर में शिकार करने वाले लोग हैं। ये सोशल जस्टिस का नारा देंगे और वही सोशल जस्टिस को जो है काट काट करके जो है अंग अंग काट करके खाने का काम करेंगे। तो फिर राजनीति में हमेशा आदमी को हाथी की चाल चलनी चाहिए। हाथी देखते हैं कितना विशाल जानवर होता है, लेकिन जब चलता है तो सूंघ से पहले हमेशा नाप लेता है पानी कितना है कितना है, तो ये करना चाहिए। तो इसलिए कभी कभी लोग इसको कमजोरी समझ लेते हैं कि रामविलास पासवान जो है को ये कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए। हम लोग एक सीमा तक कोशिश करते हैं कि चलो एक एक जो है चलाने का कोशिश करो, फिर जब नहीं होता है तो फिर लाइन लेते हैं। नहीं, लालू यादव बोल रहे हैं कि आपको 5 लाखों के मार्जिन से आपको हराएंगे। देखिए लालू प्रसाद यादव का जो है ना वो उसके ऐसा जो है सो आपको धूर्त कोई मिलेगा नहीं, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। वो किसको जिताया है? हम 77 में जीते थे तो हमसे 69 में MLA बने थे, वो आए 77 में। हम 77 में जीते थे 4.5 लाख वोट से, वो छपरा से जीते थे। 80 में क्या कहते हैं हम फिर दोबारा हाजीपुर से जीते गए थे, 80 में हार गए थे। 89 में हम फिर अपने रेकर्ड को तोड़े। कहाँ थे उस समय लालू प्रसाद यादव? दो दो बार हमने जब वर्ल्ड रेकर्ड बनाया था लालू प्रसाद यादव के कारण बनाया। और फिर 89 में तो वो तो गए थे जाकर पार्लियामेंट, हुआ हुआ करते रहते थे पीछे में बैठ करके। हम मिनिस्टर थे उस समय में, 89 में हुआ था तो सब लोग कह रहे थे ग्राम कि जाकर के आप बिहार में चले जाइए। हम उस समय में वेलफेयर मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे भारत सरकार के। तो सब लोगों ने BP सिंह ने कई एक बार हमसे कहा कि आप चले जाइए बिहार में, क्या कहते हैं कि आप जाकर के चीफ मिनिस्टर वहाँ मुलायम सिंह यादव हो गए हैं, आप बिहार में चले जाइए। हमने कहा कि हमको बिहार में, हम कभी बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने तो दिल सब कुछ जानते हुए कि आदमी जो है खाली ऐसी फोकसबाजी करते रहता है, लेकिन फिर भी पार्टी के इंटरेस्ट में साथ देते रहे। अब तो 22 तारीख को रिजल्ट निकलने वाला है ना, अब पता चलेगा ना कि रामविलास पासवान 5 लाख वोट से हारता है कि 5 लाख वोट से जीतता है। वो अपना पहले ना वो अपना वो सुधी लेने, विनाश काले विपरीत बुद्धि।